कांग्रेस के प्रभारी बदले जाने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को फिर से हसीये पर ले जाएंगे। पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा इसका कोई भरोसा नहीं। पहले राजस्थान में नैया डुबो दी और अब यहां डुबोने भेजा गया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है वाले बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो 15 दिन ही हुआ है, कांग्रेस डरी और घबराई हुई है। कैबिनेट मंत्री बनाने का निर्णय लिया, पहले केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ ने बुला लिया और उनका दर्शन कर मैं आ रहा हूँ और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और पूरा देश और पूरा विश्व उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और उस दिन का जो एक शुभ दिन है उसके अवसर पर 2 साल का बोनस सभी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे और यही मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो सभी पूरी होंगी और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वसनीयता का भाव जागेगा और इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर आएगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की अब वो कांग्रेस को फिर से हाशिए पर ले जाएंगे और पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा इसका कोई भरोसा नहीं।